नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी के पूर्व विधायक ने आखिरकार तेजस्वी यादव से बदला ले ही लिया। बात अगर हम बिहार में हो रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव के नतीजे की करें तो इस वक्त मधुबनी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो एक बड़ा झटका है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के जो पूर्व विधायक गुलाब यादव है उन्हें अपनी पत्नी के प्रचार प्रसार के लिए उन पर आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि गुलाब यादव की पत्नी जो है वो इस बार निर्दलीय से चुनावी मैदान में थी। अंबिका गुलाब यादव को निर्दलीय से वोट ये चुनाव लड़ने का जो मौका है वो दिया गया था। ऐसे में गुलाब यादव शुरू से ही अपनी पत्नी के लिए चुनावी जो सभा है वो मधुबनी में कर रहे थे, जिसको लेकर आरजेडी ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीरें मधुबनी से देखने को मिली है उसमें एक बड़ा झटका लगा है ये तेजस्वी यादव को, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव 24 में से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की वो बात कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से चुनावी रुझान सामने आए हैं, धीरे धीरे करके तस्वीरें हर एक जिले की देखने को मिल रही है, ऐसे में बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए है। ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव के पास नहीं आ पाई है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए 13 में से भी ज्यादा सीटों पर बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से करारी हार हुई है तेजस्वी यादव के, खुद उनके ही पार्टी के लोगों ने जिस तरह से बगावत की उसके बाद हालांकि तेजस्वी यादव ने कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया गया, पार्टी से गुलाब यादव को भी निष्कासित कर दिया गया। और इसको लेकर पहले ही तेजस्वी यादव ने और साथ ही साथ जगदानंद सिंह ने भी यह साफ कर दिया था कि अगर पार्टी में रहते हुए कोई गलत काम करता है, पार्टी के विरोध में अगर कोई चुनावी सभा करेगा, प्रचार करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही हुआ भी। आखिर मधुबनी से हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से गुलाब यादव को तेजस्वी यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन ये बड़ी जीत है गुलाब यादव के लिए, अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव के लिए जिस तरह से चुनावी सभा गुलाब यादव कर रहे थे इसका बड़ा फायदा उन्हें मिला है। निर्दलीय से चुनाव लड़ रही थी अंबिका गुलाब यादव, ऐसे में बड़ी जीत हासिल हुई है और बड़ा झटका है ये तेजस्वी यादव के लिए। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।